clicks on the bell icon to never miss any update from All Exam Place. Subscribe to channel and press on the bell icon to never miss. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपीपीएससी का जो नया कैलेंडर है आ चुका है। कब होनी है 2020 की मुख्य परीक्षा, 2021 की वैकेंसी कब आने वाली है, और जो 2019 में आपकी वैकेंसी थी उसका रिजल्ट कब आने वाला है, इंटरव्यू कब होगा, इसमें सब डिटेल में दिया गया है। मैं बात करता हूं यहां पे दोस्तों, तो जैसे 2019 राज्य मुख्य सेवा परीक्षा की बात करूं तो जो मेंस का रिजल्ट है वो दिसंबर में आएगा, यानी कि इसी महीने आएगा। इंटरव्यू होगा फरवरी में और अंतिम चयन जो होगा वो होगा मार्च में। ये मैं बात कर रहा हूं 2019 की, 19 की बात कर रहा हूं दोस्तों। ऐसे ही राज्य वन सेवा परीक्षा दिसंबर में आपका मुख्य परीक्षा परिणाम, फरवरी में इंटरव्यू और मार्च में फाइनल सिलेक्शन। उसके बाद अगर मैं बात करूं राज्य सेवा परीक्षा 2020 की, तो जैसे आपको पता है प्री जो हुआ था 25 जुलाई को हुआ था, दिसंबर में प्री का रिजल्ट, यानी कि इसी महीने प्री का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। मुख्य परीक्षा अप्रैल 2022 में होगी दोस्तों, याद रखिएगा, अप्रैल 2022 में होगी, और जो रिजल्ट है वो जुलाई 2022 में आएगा। इंटरव्यू आपका सितंबर 2022 और अंतिम चयन जो होगा अक्टूबर 2022 में। ऐसे ही राज्य वन सेवा परीक्षा की बात करूं 2020 की, तो अप्रैल में ही मुख्य परीक्षा होनी है इसकी भी, और इसका जो रिजल्ट है वो मई में आ जाएगा, एक महीने के अंतराल में ही। साथ ही साथ इंटरव्यू जो है वो जुलाई में होगा इसका, और साथ ही साथ जो अंतिम सिलेक्शन है वो 2022 में होगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं राज्य सेवा परीक्षा 2021, यानी कि जो प्री जो एमपीपीएससी की 2021 की वैकेंसी है वो पोस्टपोन हो गई थी, नोटिफिकेशन जो था नवंबर में आना था, जो कि अब कब आएगा, इस महीने आएगा, दिसंबर में आएगा नोटिफिकेशन, और इसकी जो प्री की पेपर होगा वो होगा 24 अप्रैल 2022। तो मिशन 2022 24 अप्रैल आपके पास है। अगर आप पीएससी में सेलेक्ट होना चाहते हैं, पीएससी की जॉब पाना चाहते हैं, तो 24 अप्रैल 2022 को आपके पास एक मौका है। 2021 का जो एमपीपीएससी की वैकेंसीज हैं वो 2021 की जो आने वाली है उसका जो नोटिफिकेशन है दिसंबर में आ जाएगा, और 24 अप्रैल को होना है प्री, और जो मेंस होगा वो अगस्त 2022 में होगा। साथ ही साथ जो परिणाम है उसका अक्टूबर 2022 में आ जाएगा, और नवंबर में इंटरव्यू रहेगा और दिसंबर में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही राज्य वन सेवा परीक्षा भी, इसमें दोनों रहेंगी, अपना राज्य सेवा और राज्य वन सेवा दोनों की वैकेंसी इसमें रहेंगी 2021 वाले में। तो तैयारी के लिए बहुत समय है आपके पास, अभी दिसंबर चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम है। जिनकी तैयारी नहीं हुई है प्री की वो कर सकते हैं, और जिनकी 2020 की मेंस की तैयारी नहीं हुई है तो अप्रैल भैया 4 महीने हैं आपके पास, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो। और तैयारी कैसे करनी है, तैयारी कहां से करनी है, इसके लिए वीडियोस बने हुए हैं, और साथ ही साथ आप ऑल एग्जाम प्लेस के कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, खासकर वन सेवा वाले जो मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, फॉरेस्ट्री स्पेशल का कोर्स लेना चाहते हैं, जैसा नया सिलेबस है तो अप्रैल में होनी है मुख्य परीक्षा, तो आप हमारा फॉरेस्ट्री स्पेशल का कोर्स भी ले सकते हैं। फॉरेस्ट का पूरा कोर्स भी यहां पे चल रहा है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मेंस के लिए अगर मैं वन राज्य सेवा की बात करूं तो उसके मेंस के लिए हिस्ट्री का पूरा कोर्स चल रहा है यहां पे, मेंस स्पेशल के लिए कंप्लीट हिस्ट्री, साथ ही साथ हिस्ट्री भी आपको यहां पे पूरी मिलेगी। एमपी मेंस का कोर्स भी आपको यहां पे मिल जाएगा, और 2021 के लिए, 2021 के लिए प्री प्लस मेंस राज्य सेवा और राज्य वन सेवा का कोर्स भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो देर किस बात की, जाए लिंक डिस्क्रिप्शन में आए, अभी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और करें अपनी तैयारी को बेहतर, बहुत अच्छा मौका है, बहुत जल्दी ही परीक्षाएं होने वाली है, टाइम भी है आपके पास अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। साथ ही साथ प्री की आपको टेस्ट सीरीज भी यहां पे मिल जाएगी, इंग्लिश हिंदी दोनों फॉर्मेट में, तो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अपनी तैयारी को करना है बेहतर। तो सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी जारी रखें और जी जान से तैयारी करें और सिलेक्शन लें। मिलूंगा आपसे जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।